फ्रेंड्स, आज हमने करना है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम आज हमने करना है। तो मान लो कि आपके पास एक रिएक्शन है, वो रिएक्शन क्या है, ए प्लस बी गिविंग द सी प्लस डी। ठीक है, ए प्लस बी रिएक्टेंट है और सी प्लस डी हमारे पास प्रोडक्ट हैं। तो जब ए प्लस बी आपस में मिलेंगे तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, जब सी प्लस डी हमें मिलेगा। ठीक है, तो जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के एफ। के एफ क्या है हमारे पास, रेट कांस्टेंट। के एफ क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। सो कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी हमने पैरेंथेसिस में लिखी है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास जो बैकवर्ड रिएक्शन भी होगी, सो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के बी, तो कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी, तो इनको पैरेंथेसिस में लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब रिएक्शन बैकवर्ड होगी तो तब जो सी और डी है ये रिएक्टेंट बन जाएंगे और ए प्लस बी हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। इसीलिए लॉ ऑफ मास एक्शन फॉलो हो रहा है इन दोनों में। ठीक है, तो जब इक्विलिब्रियम होगा तो देखो फिर क्या कंडीशन होगी, जब हमारे पास इक्विलिब्रियम होगा, इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम देर विल बी अ कंडीशन, देख सकते हो कि के एफ इजकल टू के बी होगा हमारे पास। ठीक है, पेज नंबर 5 देखो खुल गया है आपके पास, तो इसमें क्या होगा, सो देर विल बी है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों का जो हमने अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन लिख दिया है। सो जो इधर के बी है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरी साइड जाके ये डिवाइड हो जाएगा के एफ के। सो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो इधर हमारे पास ए और बी है, मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरी साइड जाके इज इक्वल टू के सी और डी के डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास जो टर्म बन गई अब एट इक्विलिब्रियम, के एफ डिवाइडेड बाई के बी डेट इज इक्वल टू के। व्हाट इज द के, के इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो इक्वेशन नंबर 1 इज द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, इक्वेशन नंबर 1, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारे पास क्या बन गई, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो जब रेशियो ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन टू द रेशियो ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, हम क्या बोलते हैं उसे, क्यू। ठीक है, ये सारे के सारे जो है हमारे पास क्या बनती है, क्यू। तो इसकी जगह हम क्यू बी लिख सकते हैं, जैसे सारे की सारी जगह हमने क्या लिख दिया, क्यू लिख दिया। ठीक है, सो दिस हैपन्स एट द इक्विलिब्रियम। मान लो कि अब आपके पास एग्जाम्पल कर लेते हैं, एच टू है प्लस आई टू गिविंग द 2HI, दिस इज एट इक्विलिब्रियम। ये आपको कैसे पता चला इक्विलिब्रियम है, ये हमारे पास इस एरो से हमें पता चला ये इक्विलिब्रियम पे है। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, सो के इज इक्वल टू के हमारे पास क्या होगा, सो के हमारे पास है के इज इक्वल टू एच आई, सो के इज इक्वल टू 2HI हमारे पास बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट, हमने ये वाला प्रोडक्ट वाली साइड इधर लिखनी है और इसका कोफिशिएंट 2 है और उसकी पावर हमने 2 लिख दी। तो नीचे हमने क्या लिखना है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो रिएक्टेंट हमारे पास एक H2 है और दूसरा I2 है। ठीक है, और इनके आगे कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, 1 है, इसलिए इसकी पावर हमने नहीं लिखी नीचे रिएक्टेंट की। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है। ठीक है, सो नेक्स्ट यू कैन ऑल्सो ट्राई अनदर इक्वेशन। तो दिस इज अनदर इक्वेशन, 4NH3+5O2 गिविंग द 4NO+6H2O। तो ये भी नेक्स्ट इक्वेशन है, इसके ऊपर भी आप रेट जब लगाओगे तो देखो इसका आंसर आप देख सकते हो कि जो कोफिशेंट होगी वो उनकी पावर बन जाएगी। ये हमारे पास प्रोडक्ट है, ये डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट के जो कोफिशेंट है उनकी वो पावर बन गई। ठीक है, तो अगर हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही गैसीय स्टेट में हो, तो तब हमने क्या इक्वेशन करना है, उनका पार्शियल प्रेशर लेना है, पीसी। पीसी इज़ द पार्शियल प्रेशर, तो पी सी इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट सी, पी
पी डी हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डी, पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ए, पी बी इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट बी। तो ये उनकी पावर है स्मॉल सी, स्मॉल डी ए, स्मॉल बी। तो ये हमारे पास क्या है, दीज आर कोफिशंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने अभी डिस्क्राइब किया है कि लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कैसे लिख सकते हैं विद टू एग्जांपल्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।